बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम लोग कड़ी धूप में बैठे हैं, लेकिन हम आए हैं सतपारा गांव है, वहां से थोड़ा सा ऊपर देवसाई रोड पे जाते हुए एक जगह आती है जिसको यहां के मकामी ज़बान में उस कहते हैं, बल्कि में हम उसको छुमिक कहेंगे। ये जो सड़क है उससे कोई 2 या 3 मिनट की चढ़ाई चढ़ के हमने ऊपर पहुंचना है। ये जगह है, यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। तो हमने जाना था अभी घूमने के लिए, लेकिन अब्दुल रहीम साहब कहते हैं यार यहाँ पे ये जो फूल हैं इनसे थोड़ी देर मिल के इनसे गपशप करके फिर जाते हैं। तो अब्दुल रहीम साहब, आपने इस सारी जगह को देखा है, आप क्या कहते हैं इस जगह के बारे में, कुदरती खूबसूरती के बारे में? जी अशरफ साहब, वाकई जो है ये एक बहुत खूबसूरत इलाका है। यूँ तो हमारा पूरा गिलगित बल्तिस्तान कुदरत के हसीन मनाजिर से मालामाल है, और जो हमारा बल्तिस्तान है स्पेशली, फिर सतपारा नाला बहुत ही खूबसूरत है झील के हवाले से भी, और जिस जगह पर आप अभी हम आए हुए हैं ये वो भी जो है बहुत यूनिक, इसकी अपनी खूबसूरती है। और यहाँ पे लोगों के जो आमदरफ्त है वो बहुत ही कम है, और नज़ारे बहुत खूबसूरत है, और मौसम भी अल्लाह के फजल से बहुत ही खूबसूरत हो है, और हल्की हल्की फवार भी हैं, और हम बहुत लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। तो अशरफ साहब का शुक्रिया कि उन्होंने जो है ये खूबसूरत मनाजिर देखने के लिए आपने यहाँ पे बुलाया और आपने कंपनी दी, आपका बहुत शुक्रिया कि कुदरत के इन हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज़ होने का आपने मौका फराहम किया। सर, इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कोई बात नहीं है, ये खूबसूरती हम सब के लिए है, हमारा मुश्तरक असासा है। यूँ भी बल्तिस्तान हम सब की मुश्तरक प्रॉपर्टी है, तो ज़ाहरी बात है ये खूबसूरत जगह है, लोगों को आना चाहिए। और यहाँ पे सामीन मोहतरम, हम आपको नाजरीन भल की हम आपसे ये भी अर्ज़ करें कि यहाँ पे जमजमा परदाजी हम सुन रहे हैं, यानी चिड़ियों की चहकने की आवाज़ें, और अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो चिड़ियों के चहकने की आवाज़ें आ रही थी। तो मैं अब्दुल रहीम साहब से कह रहा था कि तकरीबन 15-20 किस्म की चिड़ियों की आवाज़ें तो मैं पहचानता हूँ जी, क्योंकि मेरा यहाँ पर अक्सर आना होता है, और वैसे भी हम शायर किस्म के लोग ज़रा तन्हाई पसंद होते हैं जी। जब कुछ लिखने पे आमादा होते हैं तो यहाँ पे बड़ा लुत्फ़ आता है, तो मैं इधर अक्सर आता हूँ जी। यहाँ पे चारों तरफ जो है लश ग्रीन सरसब्ज शादाब जो है इलाका है, और उसमें कुदरत के हसीन फूल खिले हुए हैं, साथ ही साथ मिनरल वाटर जो चश्मे का पानी है, जहाँ से चाहें आप जो है ठंडा पानी पी सकते हैं, ये भी जो है कुदरत की एक बहुत ही खूबसूरत अतिया है। और इसी के साथ साथ जो चिड़िया है या जो मुख्तलिफ परंदे हैं वो भी जो है उनकी जो आवाज़ें हैं, उनकी चहचहाहट है, वो भी जो है इस मंज़र को बहुत ज़्यादा मज़ीद पुरलुत्फ़ और हसीन बना रहा है, और हम बहुत ज़्यादा लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। अभी सूरज बदली कोर्ट में चला गया है जी जी, तो आप हमें क्लियर देख सकते हैं। मैं अपने मौजस जो सयाह हजरात हैं नाजरीन के ज़रिए से मैं उन तक पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि आप भले गिलगित बल्तिस्तान खुसूसन बल्तिस्तान के खूबसूरत इलाकों में आप घूमें, लोग आपको खुश आमदीद कहेंगे, क्योंकि ये जगह आपकी अपनी है, लेकिन आपसे गुजारिश ये होगी कि जब आप आएँ तो यहाँ पे थोड़ा सा कुदरती माहौल का ख्याल रखें। एक तो हमारी अपनी रिवायत है उसकी आपने पासदारी करनी है, दूसरा ये है कि जब आप तशरीफ़ लाते हैं खाने पीने की चीज़ें लेकर आते हैं तो अक्सर हम ये देखते हैं, जब मैं अक्सर यहाँ पे आता हूँ तो मैं यहाँ पे कचरा चुनने में मेरा थोड़ा सा वक्त लग जाता है, ये कचरा वो होता है जो हमारे मौजस यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले अपने साथ लेकर आते हैं, और मैं आपसे क्या अर्ज़ करूँ कि किस तरह का यहाँ पे गंद, यहाँ पे लोग अल्फाज शायद मैं बुरे इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि यहाँ पे पैम्पर्स तक डायपर्स तक लोग छोड़कर जाते हैं, यहाँ पे सिगरेट की डिब्बियाँ पड़ी होती हैं, रैपर्स पड़े होते हैं, अच्छा इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें बेतरतीब यहाँ पे लोग छोड़ के जाते हैं,
तो यकीन करें कि बहुत बुरा लगता है, दिल दुखता है। जो कुदरत के हसीन मनाजिर है, जगह हैं, इनको आप जो हैं गंदा करेंगे तो फिर जो हमारे आने वाली नस्लें हैं या हमारे जो दीगर मेहमान यहाँ पे आते हैं वो जो है बुरा महसूस करते हैं। तो जो भी हजरात तशरीफ़ लाते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप जो भी वहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं या जो भी आप वहाँ पे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके बाद जो है उनको जो है प्रॉपर तरीके से उसको जो है किसी डस्टबिन में या किसी ऐसे जगह पे जो है लगा दें ताकि जो है वो जो कुदरती हसीन मनाजिर है वो जो है ख़राब ना हो, जो नेचुरल ब्यूटी है वो एज़ इट इज़ जो है बरकरार रह सके और आने वाले जो लोग हैं वो भी इन हसीन मनाजिर से जो है लुत्फ़ उठा सकें। बल्कि इस सिलसिले में एक सजेशन ये है ना जी, डस्टबिन हमने बड़ा सोचा था कि यहाँ पे कुछ डस्टबिन हम बनाएं, क्योंकि यहाँ पे हमारी थोड़ी सी ज़मीन है और बाकी तकरीबन सारे रिश्तेदार हैं, तो हमने सोचा था कि यहाँ पे हम डस्टबिन कुछ बनाएं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे एस सच जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से इनको किनारे ठिकाने लगाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। हम यहाँ पे डस्टबिन रखेंगे लेकिन बाद में उसको हमारे लिए डिस्पोज ऑफ करने का इशू होगा, इसलिए गुजारिश ये है कि आप जब तशरीफ़ लाएँ तो किसी शॉपर में आप अपना कचरा अपने साथ लेकर जाएं, जब आप शहर जाते हैं तो सबसे पहली फुर्सत में उसको किसी डस्टबिन में डाल दें, या आप जो है ना उसको, ज़ाहरी बात है शहर में तो बड़ी फैसिलिटीज़ होती हैं, काइंडली यहाँ पे ना फेंकें। और कुछ लोग यहाँ से ले जाके मुख्तलिफ जगहों फेंक देते हैं, तो सतपारा झील में शामिल होने वाला पानी यहाँ से थोड़ी सी गुज़रता है, थोड़ी सी दूर से गुज़रता है, उसकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, शायद कैमरा कैप्चर करें ना करें। तो गुजारिश ये है कि जब आप तशरीफ़ लाएं तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा शॉपर ज़रूर लेकर आएं, जिसमें आप अपना सारा गारबेज जो है जो इस्तेमाल के बाद रखते हैं आप उसको अपने साथ लेकर जाएं और उसको खूबसूरत तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करें। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती को देखने के लिए हमारे मकामी सयाहों के अलावा हमारे मुल्की सयाह और बैनुल अक़वामी सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे आई हुई है, और गालिबन इस वक्त कोई 5.5-6 लाख सयाह सकर्दू में मौजूद हैं, और ला महाला यहाँ से देवसाई तकरीबन जो भी यहाँ पे आता है उसने देवसाई जाना होता है, और यहाँ पे करीब ही देवसाई वाली सड़क है उसे इस्तेमाल करते हैं और लोग यहाँ भी घूमने आते हैं। जब यहाँ पर गैर मुल्की मेहमान आते हैं, मुल्की मेहमान आते हैं, ज़ाहरी बात है वो बड़ी शख्सियात होती हैं, या मकामी हमारे जो हज़रात हैं मौजूद हज़रात हज़रात ख़वातीन यहाँ पे ख़वातीन हज़रात यहाँ पे जब उनकी आमद होती है तो यहाँ पे रेपर्स पड़े हों, डायपर्स पड़े हों, तो ये हमारी अपनी तहजीब के ख़िलाफ़ है। तो हमारी वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि बराह मेहरबानी आप लोग सफाई का ख्याल रखें, बाकी घूमें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है तो सिरू फिलर्स घूमें, इबरत हासिल करें, और ये जो मस्त नज़ारे हैं ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं। तो अब्दुर्रहीम साहब, मेरे ख्याल में हमारा यही पैगाम काफ़ी है जी, कि आप घूमें ज़रूर लेकिन कुदरती माहौल को डिस्टर्ब किए बग़ैर घूमें, क्योंकि हमने अपनी अगली नस्लों तक इस माहौल को पहुंचाना है। दुनिया के बेशतर ममालिक ऐसे हैं, बेशतर खूबसूरत खत्ते ऐसे हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, उनको हम लोगों ने तबाह कर दिया, गंदा कर दिया, लेकिन हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ये जो खूबसूरत मनाजिर हैं ये अपनी अगली नस्लों तक, और उस नस्ल की कोशिश होनी चाहिए कि वो अगली नस्ल तक तो पहुँचाएँ। हमारा यही पैगाम है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखा, लेकिन काइंडली आप जहाँ भी जाएँ, सिर्फ इस जगह की बात नहीं है, जहाँ भी जाएँ तो वहाँ की सफाई का ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।